बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कावेरी के किचन में आप सबकी स्वागत है। चिकन, ये है विनेगर, और ये जो वेजिटेबल मुझे चाहिए, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, ये थोड़ी सी अदरक, लहसुन और अदरक, और ये नमक है, ये काली मिर्च है, और ये दो अंडा ली हूँ, और ये कॉर्नफ्लावर है, ये सोया सॉस है, और ये बस इतना ही चीज़ हम लेके आज बनाएंगे यम्मी सी सूप। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। मैं सनफ्लावर ली, आप अपने हिसाब से लेना। अब इसको गरम होने के लिए छोड़ते। ये ऑयल गरम हो गया तो इसमें मैं ये जो लहसुन बारीक काट के रखी थी इसको डालना है, और ये थोड़ी सी सोटे होगा तो मैं ये जो अदरक बारीक काट के रखी थी वो डालना है। अब ये दोनों को मिक्स करना है। अभी ये हो गया दोनों चीज, तो इसमें मैं ये पत्ता गोभी जरा थोड़ा सा, ये पत्ता गोभी और ये थोड़ा सा कैप्सिकम, ये दोनों इसमें डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ा फ्राई करना है। अभी इस टाइम में मैं ये जो चिकन उबल के ये करके रखी थी बारीक बारीक, तो उसको भी डाल के मैं थोड़ा फ्राई कर लूंगी इसी के साथ। अभी इस टाइम में मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ इसमें, भाजी है उसको अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए। अभी अच्छे से पक चुका है, मुझे पूरी फ्राई नहीं करना है, मतलब थोड़ा कच्चापन भी रहेगा इसमें। इस टाइम में मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं ये 3 से 4 कप के लिए बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं पानी डालूंगी। अभी इसमें मैं जो गोल मिर्च कूट के रखी थी उसको डालूं। नमक अपने हिसाब से देना क्योंकि उसमें सोया सॉस भी जाएगा इसके लिए। जब तक इधर ये फूट रहा है तब तक मैं इधर कॉर्नफ्लावर को तैयार कर लेती हूँ। इसमें पानी डाल के ये पूरे को ये करके ऐसे कंसिस्टेंट ये ऐसे ही रहेगा, मतलब अभी जैसे वो खोलेगा तो उसमें हम ये देंगे। अभी ये अच्छे से फूट रहा है तो इस टाइम में मैं दूंगी ये जो कॉर्नफ्लावर घोल के रखी थी उसको, लेकिन ये ढालना है या थोड़ा चलाना है, नहीं तो ये चंक्स बन जाएगा। इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। अभी आप देख सकते हो इसको थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होते लग रहा है। हाँ, जब तक मैं ये अंडे को अच्छे से फेंट लेती हूँ, इधर ये खोल रहा है और जब तक मैं इसको अच्छे से फेंट के उसमें मिक्स करना है। ये अच्छे से खोल रहा है तो इस टाइम में मैं जो अंडा फेंट के रखी हूँ इसको ऊपर से देना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देना है, ज्यादा एक साथ नहीं ढालना है। अब देख सकते हो ये ऐसे होगा, क्योंकि इसको अगर हम नहीं हिलाएंगे तो एक जगह बैठ जाएगा, तो फिर वो ऐसे दिखने में नहीं होगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसको अच्छे से हम हिलाएंगे जब तक ये खोले नहीं, इसको फूटना जरूरी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अभी आप देख सकते हो इसके कलर ही लुक चेंज हो गया पूरा, बहुत यम्मी सी लग रही है। इसको ऐसे ही हिलाते जाना है जब तक इसको बॉईल ना आए अच्छे से, तब तक इसको हिलाना है। अभी इसमें अच्छे से बॉईल आ गया तो इस टाइम मैं थोड़ी सी विनेगर डालूंगी, और जब सब करूंगी मतलब परोसने लगूंगी तब वो विनेगर और ऐड कर दूंगी। और इस टाइम में हम डालेंगे सोया सॉस। अगर आपको ये व्हाइट भी पसंद आए तो व्हाइट वाला रख सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें सोया सॉस डालूंगी जो इसका कलर चेंज होने के लिए। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह चेंज हो गया है। यम्मी सी डिश बन के मेरी तैयार हो गया चिकन सूप। अभी आप देख सकते हो पूरा यम्मी सी सूप मेरा
रेडी हो गया। अभी इस टाइम में हम डालेंगे जो थोड़ी सी कोथमीर था, वो कोथमीर डाल के मैं इसको परोस दूंगी। कोथमीर आधा डाली हो और आधा अभी मैं रखी हूँ।